तो देखते आंखों सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सैंडल का सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, क्योंकि डिजाइन तो सब बनाते हैं पर हम बनाते हैं वो होता है ट्रेंड। तो जनाब अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ईमेल आई कि भाई आप हमें मैनिपुलेशन भी करना बताएं फोटोशॉप के अंदर। तो भाई एक मेरा सवाल और सवाल यह है कि क्या आप मैनिपुलेशन से पैसे कमा सकते हैं? क्या आप अपनी ऑफिस लाइफ में या जॉब की लाइफ, अगर आपकी कहीं जॉब लगती है तो क्या आपको मैनिपुलेशन बनाने के पैसे मिलेंगे? नहीं, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ काम होता है वो होता है सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, ठीक है, प्रिंटिंग का काम, ठीक है, बैनर बनाना, वेबसाइट्स बनाना, हमें इस चीज़ के ऑफिस में पैसे मिलते हैं। बट मैं मैनिपुलेशन भी आपको करना बताऊंगा एज सून एज पॉसिबल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना सैंडल का डिजाइन। पर सैंडल का डिजाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फाइल पे आना, न्यू पे क्लिक करना है और यहां से पेज ले लेना है 800x800 या 1000x1000, 72 रेजोल्यूशन और वाइट बैकग्राउंड, और आप करेंगे क्रिएट, ठीक है जनाब। फिर आप फाइल पाएंगे, यहाँ पे आप ओपन करेंगे, यहाँ से एक बैकग्राउंड उठा लेना है, ओपन करना है आपने इसको और मूव करते हुए आपने इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। ये आ गया आपका बैकग्राउंड, ठीक है जी, इसको कर दें क्लोज। तमाम फाइलें मैंने यहाँ पे रखी हुई और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ जहां से ये आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि शाहरुख भाई फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करें? भाई फोटोशॉप आपको परचेस करना पड़ता है ओरिजिनल, और इसके अलावा अगर आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो फोटोपिया एक वेबसाइट है ऑनलाइन, उसका भी ट्यूटोरियल मैंने रखा हुआ है, तो काइंडली आप उस पर भी ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो फोटोशॉप की मेरे ख्याल से इतनी भी जरूरत नहीं होगी। कंट्रोल टी दबा के इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, फाइल पे आइएगा, ओपन कीजिएगा, यहाँ से लेंगे हम ये 6 नंबर, ओपन करा, इसको उठा के आपने यहाँ रखा और ऐसे फेंक दिया, ठीक है। कंट्रोल टी से इसको छोटा कर दिया आपने, इसको मास्क देंगे, यहां पे क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मास्क आ जाएगा। ब्रश चुन लीजिएगा और ब्लैक कलर यहां पे होना चाहिए और इसको हल्का सा आपने रब करना है, ओपेसिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है जी, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ओके, ये बबल्स थोड़े से ऊपर आएंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है जी, इसको करा क्लोज, फाइल ओपन, यहाँ से ये दोनों ले लिया आपने, पाम ट्रीज के पत्ते इसको उठा के यहाँ रखा इधर ऊपर, ठीक है, इसको करा क्लोज, फिर इस पर क्लिक करा, इसको उठा के रखा आपने यहाँ पे, इसको रखा इस तरफ, कंट्रोल टी से इसको छोटा कर लीजिएगा थोड़ा, थोड़ा सा यहाँ रखा आपने, ये पोस्ट बनाने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको और बताता चलूँ कि इसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं कहाँ पे, अगर आपके जैसे समर चल रहा है, ठीक है ना, समर पे सैंडल वगैरह के ऐड और पोस्टर बनते हैं तो आप उसको उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल पाएंगे ओपन और यहाँ से लेंगे हम ये, आप ओपन कीजिएगा, इसको ड्रैग करते उठा के सिंपल यहाँ रख देना आपने ऐसे, ठीक है, इसको क्लोज कर दें, फाइल ओपन, यहाँ से लेंगे आपकी बर्ड, इसको उठाते हुए आपने यहाँ रखना है, यहाँ रख देंगे आप, इसको कर देंगे क्लोज, फाइल ओपन, और यहाँ से लेंगे आपने बॉक्स चकोर सा, उसको उठा के आपने यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए ताकि इसको अगर आप छोटा भी करें या बड़ा भी करें तो इसमें कोई फर्क ना हो, इसको थोड़ा सा छोटा करा आपने और इसको रख दिया आपने यहाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा यहाँ रखिएगा इसको, कंट्रोल यू दबा के उसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे आप, ब्लूश कलर कर दें इसका थोड़ा सा ग्याला और तो थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा ऐसे, ओके करें, तो क्लोज करें, फाइल ओपन, और यहां से लेंगे सैंडल, इस सैंडल को उठा के रखेंगे यहां पे, तो यहां पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको छोटा करें, इसको थोड़ा तिरछा करें, इसको रखें यहां पे, थोड़ा यहां पे, इसको थोड़ा सा इधर खिसका लीजिएगा ऐसे, ठीक है जी, इसकी कॉपी बनाइएगा एक कंट्रोल जे से,
उसके बाद उसके डुप्लीकेट को उठाएगा, कंट्रोल टी कीजिएगा, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। इसको थोड़ा सा ऐसा करा आपने, ठीक है, और इसको यहाँ रख के इसको आपने बैक साइड पे कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा मास्क करके इसकी तराश खराश करनी है, थोड़ा सा इसको छोटा करा आपने, इसको हल्का सा रफ करा, ज़्यादा मिटाया, हार्डनेस के ज़्यादा कर दें और साइज का कम कर दें। तो अब इसको आप मिटाएं थोड़ा सा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। और इसको भी मास्क कर दें, इसको भी यहाँ से आपने मिटाया थोड़ा सा ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा नीचे से आपने हल्का सा रफ करना है, हल्का सा बिल्कुल, हल्का बिल्कुल, ठीक है जी। अब आप यहाँ से लेंगे ब्रश, तो हार्डनेस जीरो करें, ब्रश का साइज बड़ा कीजिएगा, ठीक है। एक लेयर इसके ऊपर खोलिएगा और यहाँ पे आप शेड देंगे ब्लैक, ठीक है, और ओपेसिटी कम करते हैं, मैं 23 कर देता हूँ। इसको हल्का सा ऐसा करना है आपने, ठीक है, और आपने एक लेयर और खोली और इसका भी शेड दिया, हल्का सा स्ट्रोक देने आपने यहाँ पे हल्के से। अच्छा, इसको आके आपने यहाँ पे भी स्ट्रोक देने। अच्छा, इसकी आउटलाइन पे व्हाइट व्हाइट कलर आ रहा है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन दूंगा और इसको कर दूंगा इनर शेडो। इनर शेडो देने के बाद इसको मैं करूंगा नॉर्मल, ठीक है, और इसको ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, तो देखिए ब्लैक हो गई इसकी आउटलाइन जो व्हाइट आ रही थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसा रख दें ताकि कवर हो जाए, ओके, और काफ़ी, ठीक है, ओके जी, काफ़ी है। करा थोड़ा सा मैं लाइट लेता हूँ, ओके, मिक्स हो गया, ओके करा, ओके करा, फिर इसको राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल करा और इस पर पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया, तो इस पर भी कलर आ जाएगा। अब हमें शेड थोड़ा सा शेडो जा रहा है, थोड़ा और डार्क करना है मज़ीद, उसको और कह रहे हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे भी हल्का सा शेड दें, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखने से पहले अगर आप इस चप्पल पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल एल करते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर दें, देखिए डार्क ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा करिएगा, ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है। और इस पर भी क्लिक करके कंट्रोल एल करके लेवल आएगा, तो थोड़ा सा डार्क करेंगे आप, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं, सबसे टॉप पर आके यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें आप, ठीक है। फॉन्ट लिया मैंने बीवस नहीं हूँ, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने मैन सैंडल्स लिखा, इसका कलर कर दिया ब्लू, और डार्क ब्लू करते हैं, ओके का थोड़ा होगा, तो ओके करा, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन, और इसको दे देंगे स्ट्रोक हम वाइट आउटसाइड, और वाइट स्ट्रोक देंगे हम, इसको कर देते हैं हम 6, वाइट कलर देके देखते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं थोड़ा कम, 3 कर देते हैं, और ड्रॉप शेडो दे देते हैं, ओपेसिटी कम रखते हैं, रेड कम रखते हैं, साइज भी रखते हैं कम, इसको थोड़ा सा खींच के इधर ले आते हैं, ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी और कम कर देते हैं, और मेरे हाथ से स्ट्रोक हटा देते हैं, कलर ओवर ले देके देखते हैं इसमें कौन सा अच्छा लग सकता है, और ब्लैक देके देते हैं, नहीं वो सही लग रहा था, और स्ट्रोक ही दे देते हैं हम और कलर हटा देते हैं, ओके, दिस इज गुड। यहाँ पे आपने कोड इसके डिस्क्रिप्शन भी लिख देनी है, ठीक है, फॉन्ट छोटा कर लीजिएगा, और यहाँ पे आके बोल्ड से पहले चेक हटाएगा, अगर बोल्ड हो और उसको ऑटो कर दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कीजिएगा, कंट्रोल टी से कर लें वाला साहब, तो थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है, ये आ गया है यहाँ पे, और अब यहाँ से लीजिएगा रेक्टेंगल टूल, इसको ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाता है, ठीक है,
हो सकता है आपके पास ये, यहाँ पे मेरे पास राउंडेड नहीं आ रहा, आपके पास राउंडेड आएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो तो राउंडेड देख लीजिएगा। इसको हमने कर दिया 50, ठीक है। इसका कलर भी हमने कर दिया ब्लू, ठीक है। इसको रखा हमने यहाँ पे, इसको रखा हमने यहाँ पे, इसको रखा हमने यहाँ पे, और यही फॉन्ट हमने कॉपी करके थोड़ा सा ऊपर ले गए, फॉन्ट का कलर कर दिया ये वाइट, और यहाँ लिख दिया हमने बाय नाउ। फॉन्ट साइज बड़ा कर लीजिएगा, इस वक्त 26 है, मैं 36 कर देता हूँ। इसको रखा आपने यहाँ पे, उसके बाद आपने इसको फाइनल टच देना है। कंट्रोल सबसे ऊपर ही लेयर पे आके कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के ई दबाएंगे तो एक लेयर ऊपर, पूरी लेयर्स का मजमुआ बन जाएगा एक लेयर के ऊपर, सही है। ये तमाम लेयर एक होके एक ऊपर की इमेज बना देगा। फिल्टर में आप आएंगे, यहाँ से आप करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर, और कैमरा रॉ फिल्टर में आके आपने कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक काम करना है, और वो ये कि बेसिक में आके सबसे पहले आपने इसकी क्लियरिटी बढ़ा दी, ठीक है। थोड़ा सा टेक्सचर दे दिया, ठीक है, और हल्का सा वाइब्रेंस कर दिया, बस ओके करा आपने, और ये आपका बैनर तैयार है। और इसको क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर दें। अगर आप गौर से देखें तो ऐसा ये है, और इसके बाद ये है। तो जनाब, इसी तरह आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, इसको आप पोस्ट कहें, बैनर कहें, अपने हिसाब से इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे आप चप्पल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए चीज के साथ। टेक केयर, बाय बाय।